अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बी क्रिएटिव। आज मैं आपके साथ ओवरलैप गला बनाने का बहुत ही ईजी मेथड शेयर करने वाली हूँ। इसको पट्टी गला भी कहा जाता है, वी कट गला भी कहा जाता है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने अपना गला जो है पहले रेडी किया हुआ है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इसको बनाने का तरीका डिटेल में बताया है, ठीक है। इसके बाद हम इसके नीचे जो पट्टी लगाएंगे, ओवरलैप गला बनाएंगे, उसके लिए देखिए मैंने दो पट्टियाँ ली हुई हैं, जो कि मेरी बॉर्डर की पट्टियाँ थी, ठीक है, शर्ट के साथ ही जो बॉर्डर आता है उसकी पट्टियाँ, ठीक है। एक छोटी पट्टी है और एक बड़ी पट्टी है। इसकी जो छोटी पट्टी की जो लंबाई है 8.5 इंच है और बड़ी की जो है 12.5 इंच है, ठीक है। हमने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा अपनी पट्टी लेनी है, ठीक है। मुझे ये पट्टी जो की लंबाई है ना तैयार, मुझे 10 इंच चाहिए, 10 इंच मुझे तैयार रखनी है, तो मैंने 12.5 इंच इसकी लंबाई ली है बड़ी वाली की, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, रख के हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ये जो मेरी पट्टी है, ठीक है, मैंने इसका कपड़ा जो है डबल फोल्ड लिया है, ठीक है। ये देखें, इतना चौड़ा कपड़ा लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बुकरम भी लगाई है, ताकि इसकी जो हमने मुड़ाई करनी है, थोड़ा सा इसको हम फोल्ड करेंगे तिरछा सा, तो वो अच्छे तरीके से हो जाए। इसके बाद जो मैंने इसके अंदर जो बुकरम लगाई है ना, वो हमने ना आड़ी बुकरम लेनी है, ठीक है। यानी कि सीधी साइड से हमें नहीं कट करना, आड़ी साइड से कट करना है, ताकि हम जिस तरह उसको मोड़ना चाहें वो मुड़ सके। इसके बाद देखिए, मैंने ऊपर से नीचे तक निशान लगाया है, 10 इंच पर हमने इसका निशान लगा लेना है, 1 इंच स्टेप से, क्योंकि हमें 10 इंच तक इसकी तैयार करनी है पट्टी। इसके बाद जो हमने इसका सेंटर था ना, जहाँ हमारा गले का वी कट आ रहा है, ठीक है, वहाँ से हमने नीचे तक इसके आयरन की मदद से या पेंसिल की मदद से निशान बना लेना है, ठीक है, ताकि हमारी जो ये हमने पट्टी लगानी है बिल्कुल सीधी आए, सेंटर में आए, ठीक है। इसके बाद हमें देखें, पट्टी के ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऐसे सेट करना है। ये देखिए, हमने पट्टी को जैसे सेंटर से हमें बिल्कुल इधर सेंटर में रखना है इसको, ठीक है। यहाँ से हमारा जो इसका है ना पट्टी का नीचे वाला पार्ट, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इसके बाद हमें इसको सेट करने के बाद हमें इसके ऊपर शॉवर करना है, यानी कि पानी लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम इसको नीचे से भी थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, ऊपर से भी हमने बाइक की तरफ फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर आयरन करेंगे, ठीक है। हमने इसको जिस तरीके से हमें इसकी शेप देनी है ना, हमने उस तरह इसको रखते हुए हमें इसको प्रेस कर लेना है, फुल तेज़ अपने आयरन को रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें इसके ऊपर इसको प्रेस करना है, तो हमारी ये पट्टी सेम उसी रुख में बैठ जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने बुकरम को तिरछा लिया है, आड़ा लिया है, ताकि हम इसको जैसे रखना चाहें वो रख सकें। कपड़ा तो हमारा सीधा है, ठीक है, लेकिन हमने बुकरम आड़ी लेनी है। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी अपनी पट्टी ऐसे रखेंगे, उसको भी हमने सेट कर लेना है बिल्कुल। सेट करने के बाद हमें उसको भी शॉवर की मदद से पानी लगाना है, फिर हमें उसको भी आयरन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे से भी हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, जितना हमने फोल्ड करना है, अपने 10 इंच तक हमने इसको रखते हुए इस पट्टी को हमने ऐसे इसकी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। देखिए हमारी कितनी नीट पट्टी बन गई है, ठीक है। हमने ऐसे देखें इसको सेट कर लिया है, प्रेस कर लिया है, कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। अब हम इसको पिंस लगा के इसको बिठा लेंगे, पिंस लगा लेंगे, ताकि हमारा ये गला हिले नहीं जब हमें इसको स्टिच करना है, तो हमारा बहुत नीट स्टिच हो, ठीक है। हमने इस तरह थोड़े थोड़े फासले पर इसके ऊपर पिंस लगा लेनी है। पिंस लगाने के बाद हमने इसकी साइडों पे दोनों तरफ हमने इसके सिलाई लगानी है, ठीक है। पहले हम छोटी वाली पट्टी को स्टिच करेंगे, फिर बड़ी वाली पट्टी को स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले हमने इसको देखें ऊपर वाली साइड से अंदर की तरफ ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, ताकि हमारे धागे बिल्कुल ना निकले। फोल्ड ऊपर से भी करना है, हमें नीचे से भी फोल्ड करना है, दोनों तरफ से स्टिच कर लेना है। देखें, स्टिच मैंने कर लिया है, कुछ इसकी फाइनल लुक इस तरीके से आई है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है वी प्लेकेट बनाने का, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।